ग्राम पंचायत विधवासन के सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के पंच और साथी रहवासियों के यहाँ पर साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सीईओ और साथ ही अन्य लोगों को यहाँ पर लिखित ज्ञापन देते हुए पूर्व सरपंच और साथी भूतपूर्व सरपंच की तरफ से किए गए घोटाले की जाँच करने की मांग की। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ पर फरवरी महीने में भी यहाँ पर 1.25 करोड़ के घोटाले की शिकायत को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें यहाँ पर कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मन सिंह सूर्यवंशी, ग्राम पंचायत विधवासन सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या मामला था जिला पंचायत पर? हमने कुछ महीने पहले कलेक्टर महोदय को हमारी पंचायत में जो घोटाला हुए हैं 1.25 करोड़ के, इनकी जांच के मामले कलेक्टर महोदय को दिए थे, जिनने आदेश भी कर दिए थे 21 फरवरी को, इसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। ग्राम पंचायत स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य भवन स्वीकृत पड़ा हुआ है, जो कलेक्टर महोदय के यहाँ आवंटन के लिए आए, अभी वो भी नहीं हुआ है। बहुत दिक्कतें आती हैं, लोग मरीजों को ले लेके दूर जाते हैं, सरपंच नहीं है, दो दो महीने हो गए पंचायत के काम प्रभावित पड़े हुए हैं, शौचालय के पैसे हैं वो नहीं डले हुए हैं,